बिना समय गवाए हुए अभी सबको जाग जाग करके। सर हेलो। हाँ सर मैं कह रहा हूँ, जैसे कि सर आप जो पढ़ाते हो ना, दो सर उसको क्वेश्चन से रिलेट कर दिया करो सर, तो ताकि या तो पहले या बाद में, ताकि वो मैं अच्छी तरह से क्लियर हो जाता है, मैं यहाँ से ऐसा क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। कौन बोल रहा है? हाँ अशोक सर, क्या पूछ रहे हो? सर मैं कह रहा हूँ जैसे आप जो टॉपिक पढ़ाते हो ना, मैं पहले या बाद में जो भी, तो उसको क्वेश्चन से रिलेट कर दिया करो सर, उसका क्वेश्चन के तो बता दिया करो, इससे ऐसा क्वेश्चन बन सकता है इससे, और ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं 20 बार बताता हूँ ये बात। और दूसरी चीज, 10 साल का क्वेश्चन उठा के देखो तो खुद पता चल जाएगा कि जो टॉपिक पढ़ाया गया कितने क्वेश्चन वहां से आए हैं, है ना। अच्छा इतने सर, कम समय में पढ़ाया, या तो पढ़ाया जा सकता है या तो क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नहीं जो नहीं पूछे सर, जाते हैं, हाँ सर, मैं तो ईयर तक बताता हूँ कि कौन से ईयर में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था, है कि अच्छा नहीं। सर, ठीक है अब सर, पूरा टॉपिक की जगह उठा करके बराबर क्वेश्चन बराबर बना कर पूछते रहेंगे तो दूसरी में पूरा समय चला जाएगा। तो इसलिए क्या कहते हैं कि हमारे जो पढ़ाते हैं ना, उसका क्वेश्चन 10 साल के क्वेश्चन में ढूंढा करो, जो यूपीएससी पूछी है, या फिर आने वाले पेपर में ढूंढ लेना, है ठीक है सर, ओके सर, वहां मिल जाएगा। ठीक है, ओके सर, जो थैंक यू पेपर सर, आने वाला है ना अपना यूपीएससी का, हाँ सर, उसमें मिल जाएगा जो हम पढ़ाते हैं, वो जरूर मिलेगा थैंक वहां। यू सर, ठीक कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें हम बताते रहते क्वेश्चन कैसे कैसे बनता है, क्या नहीं है। ठीक है, ठीक है। तो अभी हम लोग आते हैं इसमें, पहले जियोमॉर्फोलॉजी क्या होती है, ओसनोग्राफी क्या होती है, पहले ज्योग्राफी का एक अंडरस्टैंडिंग में आ जाए, है ना, वो क्या होता है। अभी यार हम लोग जा जा करके ठीक है, बढ़िया, सब आ गए लगभग। अब शुरू करते हैं क्लास। ठीक है, देखिए ज्योग्राफी का महत्व तो सबको पता होगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इस सब्जेक्ट से आते हैं, है ना, ये बताने की जरूरत नहीं है। ज्योग्राफी और इकोलॉजी इन्वायरमेंट दोनों मिला करके, दोनों दोनों ही एक ही फैमिली के हैं। सर। राहुल जी को रिकॉर्डिंग परमिशन दे दीजिए, जरा राहुल जी को रिकॉर्डिंग परमिशन दे दीजिए, राहुल जी को रिकॉर्डिंग परमिशन, अच्छा, ये हो गया। थैंक यू। ठीक हो गया। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं हमारा जो भूगोल है। ठीक है, ज्योग्राफी मतलब दो पार्ट में है ना, एक है वर्ल्ड और दूसरा है इंडियन ज्योग्राफी। तो इसमें हम लोग पहले शुरू करने जा रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी, तो इंडियन ज्योग्राफी अभी कोई चर्चा करने का मतलब नहीं बनता। ठीक है, दूसरी बात आती है कि जो हमारा वर्ल्ड ज्योग्राफी है वो किन किन पार्ट में डिवाइड है। ठीक है, जिसमें एक है आपका ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, प्रकाश,
ब्रह्मांड की उत्पत्ति है ना, सम्राट, ठीक है, यहां पूरे में से कोई एक क्वेश्चन यहां पूछा जाता है बस, है ना, वो भी थोड़ा सा साइंस एंड टेक्नोलॉजी से जुड़ के आता है, करंट अफेयर से, अगर कोई नई खोज हुई हो, कोई नया प्लैनेट पृथ्वी करीब आ रहा हो, कभी कभार यहाँ से बिग बैंग थ्योरम के बारे में पूछ लेते हैं, जो अक्सर पूछी जाती रहती है बीच बीच में कभी कभार, नहीं तो और कुछ ज्यादा नहीं पूछा जाता है, गैलेक्सीज हो गया, सन हो गया, बहुत सारा डीप इसमें नॉलेज है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं उठते हैं, फिक्स पार्ट है जहाँ क्वेश्चन उठते हैं, जैसे कि 2017 में भी यूपीएससी ने पूछा था बिग बैंग थ्योरम के बारे में, एक क्वेश्चन आया था यहाँ से केवल बस, और 2019 में यूपीपीसीएस ने भी पूछा था इसके बारे में क्वेश्चन यहाँ से, ब्रह्मांड की उत्पत्ति में सिर्फ वही बिग बैंग थ्योरम, बाकी करंट अफेयर में जो होता है वो तो आप लोग पढ़ते ही रहोगे, करंट अफेयर पढ़ाया जाता रहता है ना। अच्छा, जो इसके बाद, ये बहुत छोटी सी यूनिट है, ठीक है, जो इसके बाद दूसरी यूनिट है आपकी जियोमॉर्फोलॉजी, भू आकृतिक विज्ञान, ठीक है, इसमें आपको पढ़ना है दुनिया के, मतलब कि जो इंटीरियर था पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना क्या है, ठीक है, उसके बाद पृथ्वी की आंतरिक संरचना के सूचक कौन कौन से हैं, भूकंप, ज्वालामुखी, पठार, पर्वत, मरुस्थल, विश्व की नदियां, इनका पूरा मैप वर्क, ये सब हम लोगों को इसमें करना होता है भू आकृति विज्ञान के अंतर्गत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इरोजनल इसमें मेंस में भी बहुत टॉप इसको जो है तवज्जो दिया जा रहा है, लेकिन मेंस में इसमें पूछा जाता है, और प्री में भी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, और मतलब प्लेट विवर्तनिकी एवं महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, इससे पूछा जाता है सबसे ज्यादा क्वेश्चन, और दूसरा है इरोजनल लैंडफार्म, इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफार्म, मतलब अपरदन एवं निक्षेपण कृत स्थलाकृतियां, यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। अपरदन निक्षेपण का मतलब ये होता है कि जैसे कि हवा हो गई, पानी हो गया, जो कटाई करते हैं तो कटाई करने के बाद में जहां पर जो स्थलाकृतियों का निर्माण होता है वो, और जब उनको डिपॉजिट करती है कहीं पर जाकर के, तो जो स्थलाकृतियों का निर्माण वहां पर देखा जाता है उसे निक्षेपण से बनी हुई डिपोजिशनल लैंडफार्म उन्हें वहां पर कहा जाता है, ठीक है। फिर यहां पर अगला आता है आपका ओशनोग्राफी, समुद्र विज्ञान, ठीक है, इससे ज्यादा और दूर तक हम नहीं जाएंगे, बाकी का हम जैसे समय में आएगा तो उसके हिसाब से हम उसको समझेंगे, ठीक है, लेकिन अभी ये तीन जो है इम्पोर्टेंट यूनिट आप समझ लीजिए, है ना। ये हो गया आपका समुद्र विज्ञान, समुद्र विज्ञान में क्या है, ओशनोग्राफी, इसमें ये बहुत ज्यादा प्री और मेन दोनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है समेकित रूप से, इसमें आपको पढ़ना होता है पहले तो महासागरीय उच्चावच, मेजर ओशनिक रिलीफ, ठीक है, उच्चावच ये क्या भैया, उच्चावच में होता है कि महासागर के अंदर है ना बहुत सारी स्थलाकृतियां होती हैं, ऊबर खाबर तरह तरह की चीजें है ना, गुयॉट है ना, एबिसल हिल, ट्रेंचेस मतलब महासागरीय गर्तें है ना, तो वो सब क्या क्या चीजें हैं, वो सब आती महासागरी उच्चावच के तहत, ठीक है। फिर दूसरी बात, दूसरा चैप्टर इसमें आता है टेम्परेचर, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन, महासागरीय ताप वितरण एवं लवणता वितरण, महासागरों में कहां पर तापमान अधिक होता है, कहां पर कम होता है, तापमान कैसे घटता है, तापमान कैसे बढ़ता है। फिर दूसरी बात यहाँ पर लवणता, लवणता मतलब नमक, साल्ट महासागरों में,
कहां पर ज्यादा होता है, कहां पर कम होता है, किस हिसाब से वो घटता और बढ़ता है, वो चीज हम यहाँ पर देखते हैं, टेम्परेचर एंड सैलिनिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशन। उसके बाद जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पर आता है वो होता है आपका महासागरीय धाराएं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री में यहाँ क्वेश्चन बनता है अक्सर, महासागरीय धाराएं, ठंडी और गर्म धाराएं, महासागरीय धाराओं के लाभ क्या है, किस प्रकार से वो तटीय जलवायु पर प्रभाव डालती हैं, कन्वेयर पेटी का कॉन्सेप्ट क्या है, यह सब हम लोग इस चैप्टर के तहत अध्ययन करेंगे। फिर इसके अतिरिक्त जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं वर्तमान में, जो हमारा पूरा पूरा विश्व ही उसके प्रभाव में, उसके चपेटे में ग्रसित है, वो कोई नई नवेली बात नहीं है, है ना। उसमें पूरी दुनिया को जब भी आता है पूरी दुनिया को हिला देता है, है ना। और सबसे ज्यादा क्लिष्ट, सबसे मतलब कि आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे कठिनतम और अनरिवील्ड सीक्रेट जिसे कहा जाता है, कि अभी तक भी वैज्ञानिक बहुत सारे उनके रहस्यों पर पर्दाफाश पूरी तरह से नहीं कर पाए हैं, और वो किताबों में अभी तक भी नहीं है कि उसका कारण क्या है और कैसे होता है, क्या नहीं होता है, बहुत सारी चीजें उसमें हैं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं लोग अभी तक उसको, बड़े बड़े राइटर्स और शोधकर्ता उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए हैं। अनरिवील्ड मिस्ट्री ऑफ अलिनो लानिना, ठीक है ठीक है, लेकिन मेंस में और मेंस का फेवरेट टॉपिक है ये, है ना। और प्री में म्यूट करो अपना भाई, म्यूट करो अलिनो ला नीना, अल नीनो मोदोकी, ला नीना मोदोकी, ये हो गया। फिर ये होता है प्रशांत महासागर में घटना घटित होती है, जिसके कारण जो पैदा होता है वो होता है इंडियन ओशन में, जो हमारे भारतीय मानसून को प्रभावित करता है बहुत अधिक, भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारकों में यह भी एक प्रमुख कारण है, है ना, जिसमें है पॉजिटिव मतलब धनात्मक हिंद महासागर सागरीय द्रुमण, ठीक है, आईओडी पॉजिटिव इंडियन ओशन डायपोल, और दूसरा है निगेटिव इंडियन ओशन डायपोल, नकारात्मक हिंद महासागरीय द्विध्रुवण। ये दो घटनाएं हैं जिसके कारण भारत में या तो मानसून पहले आ जाता है, या तो मानसून देर में आता है, या फिर मानसून रुक रुक करके आता है। ये हमारे भारतीय मानसून की प्रकृति है, और वो उनको किस तरह प्रभावित करते हैं जब हम इस चैप्टर पर पहुंचेंगे तो देखेंगे। उसके बाद में समुद्र विज्ञान में चैप्टर आता है आपका मरीन डिपॉजिट्स, महासागरी निक्षेप, बहुत ही कम क्वेश्चन यहाँ से उठाया जाता है, बहुत रेयर क्वेश्चन यहाँ से उठता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यह नहीं है महासागरीय निक्षेप, ठीक है। तो इसी के साथ ही हम ज्यादा समय ना नष्ट करते हुए आज का चैप्टर उठाते हैं, है ना। और इसके पहले एक इंट्रोडक्टरी क्लास हो चुकी है लगभग एक हफ्ता पहले, और आशा है कि आप सबने उसको सुना होगा, जिसके पास वीडियो उपलब्ध नहीं होगा उसका उसका वीडियो जो है दोबारा ग्रुप पे डाल दिया जाएगा, ताकि जो लोग नए हैं या नहीं सुने थे, एक इंट्रोडक्टरी क्लास हुई थी उसका वीडियो यहाँ पर उपलब्ध करा दिया जाएगा, जिससे कि आप उसको सुन सकें, ठीक है। तो लेकिन अगर उसमें किसी कोई डाउट हो रहा हो तो पूछ सकता है, ताकि हम उसको एक्सप्लेन कर दें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, किसी कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो हम कुछ सिद्धांत पर आएंगे, उसके बाद फिर सोलर सिस्टम पर पहुंचेंगे।
नहीं पूछना सर, ये चक्रवात, प्रति चक्रवात, प्रवाल भित्तियां, ये ओशनोग्राफी में आती है या अदर में आती है सर? देखिए चक्रवात पर चक्रवात ये क्लाइमेटोलॉजी में आता है, और जो जो आपका क्या कहते हैं प्रवाल भित्तियां है वो महासागरीय उच्चावच के दायरे के अंतर्गत आता है। ठीक है सर, तो पढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो यानी कि इंट्रोडक्शन में किसी कोई दिक्कत नहीं है, सबको सब समझ में आ गया है, बहुत बहुत अच्छी बात है ये, है ना। ठीक है, तो अभी हम लोग आते हैं कि अच्छा ये सोचने वाली बात है कि कौन सी ऐसी थियरीज होंगी जिन्होंने एक्सप्लेन किया होगा कि हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। ठीक है, बहुत सारी थियरीज पे हाइपोथेसिस है, थियरी नहीं कह सकते, हाइपोथेसिस मतलब परिकल्पनाएं, परिकल्पना ही आगे जाकर के जब प्रूव हो जाती है तो सिद्धांत बनती है ना। लेकिन ये परिकल्पनाएं हैं जिनका कोई वैज्ञानिक ऐसा कुछ सिद्ध नहीं हुआ है वैज्ञानिक अनुसंधान के तहत, इसलिए वो कोई थियरी नहीं है। लेकिन ये है कि उनके उनके अतिरिक्त और कुछ है नहीं, तो ठीक है, तो उसी को ही मानना होता है कि हाँ इन्होंने जो कहा वही सही कहा। सबसे पहले ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बारे में अगर हम बात करें तो ठीक है, इमैनुअल कांट, ठीक है, इमैनुअल कांट, इमैनुअल कांट ने थियरी दिया था, एक थियरी ऐसी दिया था कि पहले ब्रह्मांड में क्या था, सब ऐसे ब्रह्मांड में ऐसे फैली हुई थी धूल और गैस का बादल। थियरी का नाम है एयर मास हाइपोथेसिस, वायव्य राशि परिकल्पना, बहुत सिंपल सी है ना। सारी थियरी नहीं पढ़नी है, 17 करीब थियरी थे वो सब बिल्कुल नहीं पढ़नी है। ठीक है, अब क्या होता है कि जो डेंसर मटेरियल, ये गोल गोल घूम रहा था, फिर जो डेंसर मटेरियल था वो धीरे धीरे सेंटर में इकट्ठा होता जाता है, फिर धीरे धीरे अंदर का मटेरियल ठोस होता जाता है, बाकी के जो बाहर के छल्ले होते हैं वो अलग अलग घूमते रहते हैं। अभी हम बता रहे हैं इनको सिद्धांत कैसे दिमाग में आइडिया आया होगा, है ना। इनकी बीवी इनसे धुलवा रही थी कपड़ा, है ना, बकेट में, तो उसमें क्या था कि होता ना कि बकेट में अगर कभी आप लोग भी धोए होंगे कपड़ा, ऐसा नहीं है, है ना, ऐसे गोल गोल घुमा दो तो बीच में क्या होता है इकट्ठा हो जाता है वो, अब बाकी किनारे किनारे जो उसका झाग होता है ऐसे गोल गोल घूमता रहता है सेंटर वाले पार्ट में, है ना। सेम कॉन्सेप्ट इन्होंने पूरा ब्रह्मांड की उत्पत्ति में लगा दिया, है ना। अब बाद में फेल हो गई इनकी फिलॉसफी, क्यों फेल हो गई ना, किसी ने मैसेज किया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हाँ वेरी गुड राहुल जी ने बताया, अभिकेंद्री बल, अभिकेंद्री बल यहां पर कार्य करता है। ठीक है, तो इस कारण से सेंटर वाला पार्ट ज्यादा डेंसर होता है और ज्यादा बड़ा होता जाता है वक्त के साथ साथ, और जो किनारे किनारे छोटे छोटे छल्ले हैं ये समझ लो ग्रह है छोटे छोटे, इस तरह से बताया कि ऐसे हुआ। लेकिन ये कोई विशेष बात नहीं थी, इसमें कोई तथ्य परक नहीं था, इसमें असफलता कारण क्या था, इनके सिद्धांत खंडित कैसे हो गया। देखो अगर हम इसको चाहे क्लॉकवाइज घुमाए, है ना, चाहे एंटी क्लॉक, चाहे एंटी क्लॉकवाइज घुमा दे चाहे क्लॉकवाइज घुमा दे, लेकिन बात यह है कि जितने घूम रहे हैं सबको एक ही दिशा में उनको रोटेट होना चाहिए। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में देखने को मिलता है दो ऐसे ग्रह हैं जो उल्टा घूमते हैं, शुक्र और अरुण, वीनस एंड यूरेनस कैसा घूमते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमते हैं, जबकि सब कैसे बाकी के जो प्लैनेट्स हैं वो कैसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो अगर ये कॉन्सेप्ट सही है तो पहली चीज इनको उल्टा नहीं घूमना चाहिए था, दूसरी चीज ग्रहाणु गति के सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सारे ग्रह
कि जो रोटेशन स्पीड है वो डिफरेंट है, कोई बहुत तेज घूम रहा है, कोई बहुत इनक्रेडिबली स्लो स्पीड में घूम रहा है ना, किसी का रोटेशन, किसी का रेवोल्यूशन टाइम पीरियड कुछ है तो किसी का रेवोल्यूशन टाइम पीरियड कुछ है। यहाँ पर इस सिद्धांत के अनुसार अगर हम देखें सबका जो होना चाहिए आनुपातिक गुणन कक्षा के अंदर, वो कक्षा के हिसाब से एक प्रकार का होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन एक तरह से इन्होंने सिद्धांत बताया, यही बहुत बड़ी बात है ना, कम से कम कुछ दिया तो। लेकिन फिलहाल तो इनका सिद्धांत रहा असफल। ठीक है, वैसे ही क्या कहते हैं लैपलीस, लैपलीस की निहारिका परिकल्पना, ठीक है, लैपलीस निहारिका, इन्होंने बताया था हाइड्रोजन एटम था, हाइड्रोजन के एटम, ढेर सारे हाइड्रोजन के एटम, इन्होंने तारों का निर्माण की बात बताई जो कि सत्य है, जिसको अपनाया गया, ठीक है, ढेर सारे हाइड्रोजन एटम थे और वो सेल्फ ग्रेविटी से आपस में जुड़ते चले गए, और कुछ है नहीं बड़ा तो आपस में ही गुड़ते चले जाएंगे, हाइड्रोजन के एटम हाइड्रोजन के साथ फ्यूज होते चले जाएंगे, हाइड्रोजन हाइड्रोजन से फ्यूज होगा हीलियम बनाएगा, हीलियम हीलियम से फ्यूज होगा कार्बन, कार्बन कार्बन से ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से सिलिकन, ऐसे भारी धातुएं यूरेनियम तक बनती चली जाएंगी, ठीक है, धीरे 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 करके, है ना। तो इस तरह से ये इन्होंने बताया कि इस तरह से सब कुछ जितना कुछ बना देख रहे हो ये सब का सब हाइड्रोजन ही है, और वो आपस में मिल मिल करके भारी धातुओं का निर्माण करके इस स्वरूप में स्थित हुआ है, ठीक है। ऐसे ही लाकियर ने बताया था द्वैतारक परिकल्पना, कि दो तारे आए थे, है ना, उनके पारस्परिक गुरुत्वाकर्षण कारण पहले तारे से बहुत सारा मटेरियल निकल गया, लेकिन तारा कैसे बना ये इन्होंने बताया, तारे के उद्भव संबंधित व्याख्या इन्होंने की, जो कि मान्य है, जो कि अभी भी इनका कॉन्सेप्ट हम इस्तेमाल करते हैं, ये हाइड्रोजन वाली थ्योरी जो इन्होंने बताया था, काफी हद तक इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं फिर, ठीक है। लेकिन अभी तक कोई यह नहीं बता पाया है कि ब्रह्मांड कैसे बना, कहां से कैसे क्या शुरू हुआ, कैसे खत्म हो गया, है ना, और कहां से आया, ये सब चीजें जो देखने को मिल रही हैं। तो ये जो मेन और कोर थियोरी जो सबसे लास्ट में आई हुई सरमान थियोरी है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पर विवेचना करते हैं कि वो कौन सी थी। तो ये है जो सबसे ज्यादा पेपर में पूछी जाती है, और अभी तक तो लगभग 7 साल से केवल यही पूछी गई है, और कुछ कोई हाइपोथेसिस पूछी नहीं गई है ना दूसरी कोई, इसलिए हम लोग मुख्य तौर पर इसी पर बल देते हैं, बिग बैंग थ्योरम, ठीक है, महाविस्फोट का सिद्धांत जिसको दिया था जॉर्ज लामेंटिनियर, इसमें क्या था, इसमें इन्होंने बताया लामेंटिनियर साहब ने कि पहले ब्रह्मांड में, ठीक है, सिर्फ एक ही ब्रह्मांड था ही नहीं, बस एक ब्लैक पॉइंट था ऐसा, ठीक है, ब्लैक पॉइंट जिसे हिंदी में कृष्ण पिंड के नाम जाना जाता है, कृष्ण पिंड, और इस ब्लैक पॉइंट में इनफाइनाइट एनर्जी मतलब अनंत ऊर्जा, ठीक है, इनफिनाइट चार्ज, अनंत आवेश एंड निग्लिजिबल मास मतलब नगण्य द्रव्यमान था,
फिर क्या था, इसमें एनर्जी बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी। जैसे प्रेशर कुकर में बहुत अधिक प्रेशर बढ़ जाता है, फिर क्या होता है, फूट जाता है। वैसा ही यहां पर भी ऐसा ही सेम कंडीशन देखने को मिली, इसमें एनर्जी लगातार बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, फिर एक समय क्या हो गया, विस्फोट। लेकिन ये महाविस्फोट, ये एटम के बराबर सूज था, छोटा, इसमें हो गया विस्फोट। और दूसरी बात, ये सिंगुलरिटी की स्टेज में था। सिंगुलरिटी की स्टेज मतलब एकात्मकता की अवस्था, ना दिशा होती है ना समय का कोई अस्तित्व होता है। हाँ, जैसे इसको समझा जाए क्या है, जैसे ये मान लो एक गोला है, ये सेंटर है, ये केंद्र है, न्यूक्लियस, और ये आउटर रेडियस। तो यह क्या है, यहां से यहां तक पॉइंट ए न्यूक्लियस है, पॉइंट बी रेडियस है। ए से बी तक जाने में कुछ भी लगे, लेकिन कुछ तो माइक्रो सेकेंड लगेंगे ही, है ना, कुछ तो माइक्रो सेकेंड यहां पर लगेंगे ही। लेकिन अगर बी आकर के इसी में ए में मिल जाए, ए और बी आपस में ही मिल जाए, तो ना आगे है ना पीछे है, ना ऊपर है ना नीचे है, ना सारी दिशाएं एक्स वाई जेड एक्सिस नीचे धंस जाए, अंदर आकर के एक ही जगह मिक्स हो जाए, तो उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है, ना दिशा। तो इस तरह से ना तब दिशा ना ही समय, किन्हीं भी चीजों का कोई अस्तित्व नहीं था। जब तक पॉइंट ए है तब तक कोई समय नहीं, समय तब जब पॉइंट बी हो, क्योंकि ए से बी तक जाना पड़े, है ना। तो इसे कहते हैं, जब बी ए में आकर मर्ज हो जाएगा, तो कहते हैं स्टेज ऑफ सिंगुलरिटी। ब्लैक होल में ऐसी दशा देखने को मिलती है, लेकिन आप इस कृष्ण पिंड को एक सुपर मैसिव ब्लैक होल कह सकते हैं आप, एक बहुत मतलब ब्लैक होलों का ब्लैक होल। जब ब्लैक होल पूरा ब्रह्मांड जब खत्म हो जाएगा, सब जितने तारे हैं ब्लैक होल में परिणत होकर के सेंटर के ब्लैक होल में सब जाकर के आपस में मर्ज हो जाएं, तब जो बचेगा वो कुछ नहीं बचेगा, वो जो बचेगा वो सिर्फ यही बचेगा जो काला काला आप यहाँ पर मेरे उसमें देख रहे हो, है ना, कल्पना। इसके अलावा कुछ नहीं बचेगा। फिर इसमें क्या होगा, विस्फोट, एक विशाल विस्फोट यहाँ पर हो जाएगा। फिर उन्होंने बताया कि कैसे उसका ब्रह्मांड का प्रसार होता गया। धीरे धीरे ऐसे ही ब्रह्मांड फैलता गया। इन्होंने कई सारी हाइपोथेसिस को सेटिस्फाई किया, इसलिए इनके सिद्धांत मान्य है। इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड एक फूलते हुए गुब्बारे की तरह है, जैसे एक छोटा सा गुब्बारा है, इसमें हम डॉट लगा दें, ठीक है, और इसमें हवा भरना शुरू कर दें, ये फूलता चला जाएगा, और जैसे जैसे फूलता जाएगा वैसे वैसे ये डॉट एक दूसरे से दूर और बड़े होते चले जाएंगे। इसी तरह से यहाँ पर गैलेक्सी जो है एक दूसरे से दूर और बड़ी होती चली गई। जो मटेरियल निकला वो आपस में जो एनर्जी थी वो कन्वर्ट होती गई मटेरियल में, ये भी बात इन्होंने कहा। इन्होंने अब यहाँ पर ये जो सिद्धांत है ब्रह्मांड में, इन्होंने बताया कि ब्रह्मांड ये फैलता जा रहा है, और जो गैलेक्सीज हैं एक दूसरे से दूर होती जा रही और बड़ी होती जा रही। तो यहां पर ये कॉन्सेप्ट सेटिस्फाई करते हैं सर एडविन हब्बल का, जिनके नाम पर हब्बल टेलीस्कोप है, ठीक है,
उन्होंने कहा था ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है, ब्रह्मांड फैलता जा रहा है, तो उनके कॉन्सेप्ट को भी ये स्वीकार करता है। दूसरी चीज, आइंस्टाइन के E=mc² द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण का भी, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण को भी सैटिस्फाई करता है। मींस एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू मास एंड मास कैन कन्वर्ट इनटू एनर्जी। उन्होंने कहा था जितना कुछ आप देख रहे हो, हम लोग एक दूसरे को जो कुछ भी देख रहे हैं, है ना, ये सिर्फ और सिर्फ एक एनर्जी है, है ना, जो द्रव्यमान के रूप में परिणत है। अगर द्रव्यमान को जला दो तो एनर्जी में परिणत हो जाती है। कितना परिणत होती है, अगर फुली अगर हम मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सके, ना प्रदूषण हो ना वेस्ट बचे, है ना, ये डिपेंड करता है कि वो मास की क्वालिटी किस पर है, तो कितनी एनर्जी। फार्मूला यहां पर दिया गया है, सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है, इन वैक्यूम, ठीक है, 2.98 होती है इसकी एयर में, 2.95 होती है वाटर में, 2.92 होती है इसकी जो रफ्तार होती है, वो होती है आपकी उसमें ग्लास में, 2.90 होती है इसकी लेंस में, है ना। तो ये अलग अलग रफ्तार होती है। यहाँ पर 3×10^8 मीटर पर सेकंड जो निर्वात में प्रकाश की चाल है, उसको ही यहाँ पर आदर्श मानते हुए इसको दिया गया है सी की पहलू, है ना, क्योंकि निर्वात में ही ट्रेवल करते हुए लाइट हम तक यहाँ तक पहुंच पाती है, ठीक है। तो एनर्जी कैन कन्वर्ट इनटू मास एंड मास कैन कन्वर्ट इनटू एनर्जी, यहाँ पर क्या था, एनर्जी ही मास में कन्वर्ट हुई है, और ये कोई बड़ी बात नहीं, ये कोई नई थियरम नहीं है, हमारे यहाँ पहले ही क्या कहते हैं, जो ऋषि मुनि होते थे, एक बृहद क्या कहते हैं साइंस है, सूर्य विज्ञान, सूर्य विज्ञान, सूर्य विज्ञान एक बहुत बड़ी बात नहीं है, ये काफी सारे जानकार लोग अभी भी जिंदा है इसके, है ना। उसमें क्या होता है कि सूर्य की रश्मियों को जोड़ करके वो वस्तु पैदा करने की क्षमता रखते हैं, है ना, सूर्य की किरणों को जोड़ करके कोई ना कोई पदार्थ बना लेते हैं छोटा मोटा, है ना, पहले लोग बड़ा बड़ा बना लेते थे, ठीक है। तो ये होता है सूर्य विज्ञान। तो सूर्य विज्ञान में पहले भी ये है कि एनर्जी को कैसे मास में कन्वर्ट किया जा सकता है, ये साइंस सनातन धर्म में बहुत प्राचीन समय से व्याप्त है। अभी हाल ही में नासा के एक वैज्ञानिक रिटायर हुए, ठीक है, जनवरी में, और उन्होंने काफी चर्चा का विषय रहा यह बिग बैंग का सिद्धांत। उन्होंने कहा कि जब तक वो नासा में था तब तक कुछ नहीं बोले थे, लेकिन जब रिटायर हुए तो रिटायरमेंट के बाद उन्होंने कहा कि ये जो सिद्धांत है बिग बैंग थियरी, ये सब किसी काम की नहीं है, सब गड़बड़ है, सब झूठ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। और बिल्कुल मैं भी सहमत हूँ, क्योंकि इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए थे लॉन्ग मेटेरियल कि उन्होंने ईश्वर की ही अवमानना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये सब ईश्वर कुछ होता ही नहीं है, ऐसे सब चीजें बनी है, है ना, हम कहते हैं कि तुम्हारी ऐसे सब चीजें बनी हैं, तो ये कहाँ से लाए, ये कहाँ से आ गया, ये था कहाँ, फिर रखा कहाँ गया था, जब स्पेस नहीं था, टाइम नहीं था, कुछ नहीं था, ठीक है मैं समझ गया, मान लिया जब स्पेस नहीं थी, ये कहाँ, जो ब्लैक पॉइंट है यहाँ पर कृष्ण पिंड एटम की बराबर भी अगर खाली जगह बची हुई है, तो वो कैसे आई, आखिर ये कैसे पैदा हुआ, ये थियरी एक्सप्लेन करने में असफल रहे, क्रिटिकल एनालिसिस में पूछा भी जाता है। दूसरा चीज, इन्होंने कहा था कि जो 80% डेवलपमेंट हुआ, है ना, ये एक सेकंड के दसवें हिस्से में इतना तेज डेवलप हो गया पूरा, मतलब जो ब्रह्मांड है इस बिग बैंग के बाद में 1/10 सेकंड के अंदर 80% फॉर्मेशन हो गया। हाउ इज पॉसिबल, इतना तेज, ठीक है। दूसरी चीज, फिर बाकी का फर्दर डेवलपमेंट 90% तक का 10% 3 मिनट में हुआ, बाकी का इतनी प्रक्रिया इतनी स्लो हो गई कि वो चलती चली आ रही अभी तक, बहुत ज्यादा स्लो, इनक्रेडिबली स्लो इस रेट में वो होती जा रही है ना।
वैज्ञानिकों ने शोध में यह भी पाया कि अगर अभी तक क्या माना जाता है कि लाइट की स्पीड सबसे फास्टेस्ट है, ठीक है, तो अभी ब्रह्मांड का जहां तक का छोर आकलन आकलित किया गया है ना, परास मान लो यूनिवर्स है ना, यहां से जो इसका परास आकलित किया गया है ना, तो अगर जितना समय ब्रह्मांड जो 13 बिलियन ईयर तक वो इन्होंने जो बात कही है ना, 1 बिलियन मतलब क्या कहते हैं 100 लाख, उतने कम समय में कोई पदार्थ जिस रेडियस में ब्रह्मांड है तक आउटर छोर तक नहीं पहुंच सकता है। ये तो जहां तक जान पा रहे हैं पता लगा, उनका कहना यही है कि लाइट की स्पीड से अगर कोई पदार्थ ट्रेवल करे तो वो इस छोर तक कभी नहीं पहुंच सकता है। इसका मतलब इनक्रेडिबल स्पीड थी उसकी, बहुत ज्यादा फास्ट थी।